नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपका दोस्त, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल V2 Explore में। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इस समय मैं लखनऊ में हूँ दोस्तों, नवाबों के शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और आज मैं आपको भूल भुलैया एक्सप्लोर करूँगा आपके लिए, जिसे बड़ा इमामबाड़ा भी कहते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं इमामबाड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। सामने आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा, इसे ही भूल भुलैया भी कहते हैं। इस दरवाजे से अंदर जब हम जाएंगे दोस्तों, तो आप इस खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, इतना खूबसूरत है ये। आइए चलते हैं और आपको खूबसूरती के दर्शन कराते हैं। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है ये भूल भुलैया। दोस्तों लखनऊ रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और 20 से 30 रुपये में ऑटो वालों आपको यहाँ तक छोड़ देते हैं। यहाँ से अंदर चलने के बाद दोस्तों, इन सीढ़ियों से ऊपर लेफ्ट साइड में जहाँ पे लोग खड़े हैं, ये टिकट काउंटर है दोस्तों। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। 50 रुपये की टिकट है, जिसमें आप बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, और पिक्चर गैलरी, क्लॉक टावर, उन सब की टिकट्स इसमें इंक्लूडेड है सर 50 रुपये में। और आप इस 50 रुपये से इन तीनों चारों जगह आसानी से घूम सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कितना खूबसूरत है ये भूल भुलैया। सामने आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं, बड़ा इमामबाड़ा लिखा है। देखिए दोस्तों सामने ये मस्जिद है और बिल्कुल सामने रोड से जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये ही भूल भुलैया है दोस्तों। इसी के अंदर ऊपर की साइड में भूल भुलैया है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं भूल भुलैया। रास्ते के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ है, हरा भरा बिल्कुल दोस्तों। बहुत कहते हैं दोस्तों भूल भुलैया अकेले घूमना नामुमकिन है, क्योंकि अंदर जाने के बाद सारे दरवाजे एक जैसे लगते हैं, गैलरी एक जैसी लगती है। तो हमने भी दोस्तों एक गाइड करा, जिनका नाम है मोहम्मद मेहंदी हसन, बहुत ही अच्छे गाइड, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया उन्होंने। इनका फ़ोन नंबर भी इस वीडियो में है, लास्ट में आप देख सकेंगे दोस्तों, अगर संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। एक धार्मिक स्थल, दुआ मुराद मतलब प्रथम माथा टेकने के लिए इस कैंपस को बनाया। भूल भुलैया कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, भूल भुलैया आखिर में ऑटोमेटिक बना है। इमाम बारगाह गांव को मत करिए सबसे कम टाइम में। ये सिंगर है, मेंबर से गाथन और मेंबर है रसूल। डिजाइन उस जमाने में व्हाइट चीनी का बर्तन होता था, जिसमें नक्काशी बड़ी होती थी। डिजाइन से एक छोटी प्लेट बनी और एक बड़ी प्लेट। गुदाव में यहाँ पे दर्शन कोर्स में सेटों में दोनों दरबार लोग नीचे व चेयरमैन के साथ। ये जो चीज़ें देख रहे हैं, सिपाही गार्ड्स पहरेदार लोग पहरा देते थे। यहाँ से मुहर्रम और रमजान के प्रोग्रामों को अरेंजमेंट किया जाता था। इनका रहने का छत्र मंजिल कैसरबाग हाईकोर्ट के सामने बना, जहाँ जौली LLB जो पिक्चर बनी थी वो इनका महल रहने का है। ये चाइनीज हॉल है, अब हम लोग चलेंगे पर्शियन हॉल। देखिए हम लोग पर्शियन हॉल में आए। पर्शियन हॉल 163 फीट लंबा, 60 फीट ऊंचा, 54 फीट चौड़ा। ये मेंबर रसूल सिंहासन जो है, इसका ओरिजिनल यहाँ पर होता था, जिसपे मौलाना लोग बैठते थे और नीचे वाला आम जनता होती थी, ऊपर पड़ते थे चिन्ह। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम यहाँ प्रोग्राम चलते थे, आज के टाइम में माँ होते हैं पहले यहाँ होते थे। ये तमाम झाड़ आप देख रहे लटके हुए, ये स्टैंड वाले झाड़ और ये गोल्डन शीशे,
ये आज गोल्डन पेंट से पेंट करे हैं। 1857 में जब अंग्रेजों ने हमला किया, जितनी ओपन चीजें मिली वो लूट ले गए। खजाने का चाबी और मैप न मिलने से खजाना किसी के पास नहीं हटने लगा। खजाना आज भी है पर कहां ये किसी जिसको बोलते हैं इमाम बारगाह, इमाम हुसैन का रोजा, हसन हुसैन के नाम से दुआ मुराद मन्नत करते माथा टेकने के लिए जो लोग मक्का मदीना जाते हैं उसका कॉपी बनाया गया। और ये है समाधि नवाब आसिफुद्दौला बादर अवध के चौथे नवाब और बिल्डिंग के इंजीनियर ईरान के रहने वाले तिफतुल्ला। जब बिल्डिंग का पूरा काम खत्म हो गया तो नवाब आसिफुद्दौला ने कहा जितनी भी धन दौलत चाहिए हम आपको देंगे, आपने बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है। मगर तिफतुल्ला इंजीनियर ने कहा ना मुझे धन चाहिए ना दौलत चाहिए, आप अपने चरणों में जगह दिए ताकि आपके नाम साथ मेरा नाम मिलके चले, वही मेरे लिए सबसे। अब हमारा आप एलियन हॉल में आए, एलियन हॉल क्या, एलियन खरबूजा डिजाइन, इंडियन खरबूजा डिजाइन। नवाब आसिफुद्दौला की बेगम शमशुनिशा और इनके खास परिवार के लोग इधर बैठते थे खरबूजे हॉल में। और ये जो आप बड़े बड़े दर देख रहे हैं इसमें ब्लैक पर्दे होते थे, जो वहाँ पे प्रोग्राम मोहर्रम के चलते थे उसको बैठ के यहाँ से सुने जाते थे। उस जमाने में लाउड स्पीकर और मैक नहीं होता था, इको साउंड, लाउड स्पीकर मैक नहीं इको साउंड, हेलो, मोबाइल और टेलीफोन नहीं होते थे। दीवारों से बात जो भूलभुलिया के अंदर करेंगे और सीसीटीवी कैमरे हम आपको दिखाएंगे, पानी के सीसीटीवी कैमरे जो पानी के अंदर में आप देखेंगे कौन आदमी आ रहा है कौन आदमी जा रहा है, पानी में देखेंगे आप उसको। अब स्टार्ट करेंगे हम भूलभुलिया। और ये भूलभुलिया का बोर्ड है और यहाँ की भूलभुलिया की खासियत ये है कि 4 स्टेप पत्थर के हैं और 45 से भूलभुलिया शुरू होगी और 84 टेरिस तक है, तो हमारी स्टार्टिंग होगी 45 स्टेप से। तो हम लोग 45 स्टेप गिन के चलेंगे और वहाँ से स्टार्ट होगा भूलभुलिया। आने जाने का मात्र एक ही रास्ता और बिल्डिंग के अंदर 1024 रास्ते, 1024, हर चौराहे पे 4 रास्ते, 3 भूल और 1 सही। अब आप लोग नीचे उतर के आएंगे स्टेप, आइए 1 2 3 4, 3 रास्ता भूल और 1 सही। मोबाइल टॉर्च जला लेंगे यहाँ पे, आप थोड़ा देखिए 330 फीट लंबी गैलरी और 15 फीट मोटी दीवारों के बीच में हम लोग 2.5 फीट के रास्ते अंदर आ रहे उतर के, और भूलभुलिया हमारी स्टार्ट हो चुकी है। भूलभुलिया की स्टार्ट होने में थोड़ी दूर पे सुरंग पे जब चलेंगे तो आपको सुरंग के रास्ते मिलेंगे जिसमें दिल्ली कलकत्ता आगरा फैजाबाद जाने वाले 30 किलोमीटर दूर है पे रास्ते निकले थे। ये वो रास्ते हम आपको दिखाएंगे, ये सुरंग के रास्ते जो 30 किलोमीटर दूर हाईवे पे निकले दिल्ली कलकत्ता आगरा फैजाबाद जाने वाले हाईवे पे। 1857 में जब अंग्रेजों ने हमला किया तो इसमें अंग्रेज लोग चले गए और जाने के बाद वापसी नहीं आ पाए। जब भूलभुलिया यहाँ घूमने के लिए बन गया तो अंदर से दीवार उठा दी और ये जो लकड़ी का बोलते हैं कि धीरे से बोलो और दीवारों के कान होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग खड़े होंगे इस तरीके से बात करेंगे आपको नीचे और ये विदाउट सपोर्ट कैसे बना और भूलभुलिया कैसे माम बाजा कैसे, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी बताएंगे भी। देखिए ये विदाउट सपोर्ट टेरिस है, इसमें कोई सरिया लोहा लकड़ी लिंटर कटर नहीं है।
आज स्टेप बनता है 4 इंची का नहीं, 6 इंची 8 इंची का स्टेप बनता है। पहले का स्टेप होता था 2 इंची का, छोटी ईट लकवारी। पहले स्टेप बनता था तो छत को बनाने के लिए स्टेप बनता था, आज स्टेप बनता है नवाब आसफुद्दीन बहादुर अवध के चौथे नवाब थे जो बनवाए थे। बिल्डिंग के इंजीनियर ईरान के रहने वाले तिफायतुल्ला थे और मेवालाल रस्तोगी खजाने के खजांची थे। 1773 में अकाल जब पड़ा तो अकाल के टाइम में गरीब जनता को काम दिया, 84 में बचा हुआ काम कंप्लीट हो गया। नवाब साहब ने कहा देखना चाहते हैं, वो पहली बार देखने अंदर आए तिफायतुल्ला इंजीनियर साहब। अंदर आने के बाद अंदर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, सिफायतुल्ला इंजीनियर ने उनको बाहर निकाला। नवाब साहब बोले आपने तो इसको भूल भुलिया बना ली। तब से ये इमामबाड़ा भूल भुलिया फेमस। 11 साल जिस गरीब जनता को काम मिला उस जनता की आवाज़ बन गई, जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। मोबाइल टावर दिख रहा है वो छोटा इमाम शाही तस्वीर। ये चौक कंचन मार्केट चौक बाजार और ये जितना भी कैंपस है मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज हॉस्पिटल KGMC। फ्रंट पे हम दिखाते हैं जहाँ पे शूटिंग हुई है फिल्मों की, गदर पिक्चर, मेरे हुजूर, चौदहवीं का चांद, ओम रोजान, पाकिजा, ओमकारा, शतरंज के खिलाड़ी और गदर। ये सब पिक्चरें जो है रोड का मेन गेट, रूमी गेट, ये सामने ये आसिफी मस्जिद बनी हुई है, वो रोड का मेन गेट, रूमी गेट के बाद में आपको लाल पुल दिख रहा है जो अंग्रेज के टाइम में बना है। इधर का पानी दिख रहा है वो घूमती है और ये जयपुर हवा महल के डिज़ाइन। इसके आगे एक और भी डिजाइन है जिसको पक्का पुल बोलते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे पानी वाला सेकंड स्टोरी चरमहल बौली कुआ, जहाँ मेवालाल रस्तोगी खजाने का चाबी और नक्शा लेके रहता था पानी के अंदर में। अब हम आपको लेके चलेंगे सेकंड स्टोरी पानी अंडरग्राउंड चरमहल बौली कुआ। ये दोस्तों ये जगह है शाही बावली बड़ा इमामबाड़ा। यहाँ पे सामने रेट्स भी लिखे हुए गाइड्स के। इसी जगह कुछ यात्रियों से मुलाकात हुई दोस्तों, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। कहाँ से आप लोग? रायबरेली से, यही घूमने इमामबाड़ा और भी और लखनऊ में और कहीं भी जाएंगे? चलो, क्या नाम है आपका? आपका तकवीम पठान। ग्राउंड बिल्डिंग यहाँ पे सबसे चीज अगर पहले कोई बनी है तो वो एक कुआं बनाया था। जैसे आज के टाइम में बिल्डिंग बनती है, टैंक वगैरह आते हैं, तो पहले के टाइम में कुएं बनाए जाते थे। कुआं इसलिए बनाया था, इसी के पानी से यूज करके पूरे कैंपस का काम हुआ है। आप सबको देखेंगे, आपको कोई नहीं ऐसा मेवालाल रस्तोगी के लिए बनवाया, खजाने की चाबी रक्षा हिफाजत से रखने के लिए नवाब असफुद्दौला ने 4 मंजिल कुएं के ऊपर में 3 मंजिल बनाए, 3 मंजिल में चोर गेट, चोर सेंटर छोड़े। ये CCTV कैमरा तो आज के टाइम में लगा, इसका कनेक्शन काट देंगे बंद हो जाएगा। एक इसमें विदाउट कनेक्शन कैमरा आएगा जो आसमानी कैमरा काम करता है। चारों तरफ गेट के बाउंड्री है मगर गेट के ऊपर में छत नहीं डाली है। ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ने के लिए, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है सुरंग के अंदर में, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए छोड़ा है। यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होता है अंदर पानी पे, तो वही पानी का सेंटर महातिलक के दिखाता है।
जब पानी गोमती से इसमें यहाँ आता था तो आप देखते थे नीचे वहां जाने के बाद में ये सारी चीजें पानी में। अब आप ऊपर चढ़ के 4 स्टेप उतरेंगे तो आपको ये नहीं दिखाई देगा, और अंदर जाने के 2 मंजिल बाद नीचे उतरने के बाद में आपको ये सारी चीजें दिखती थी। पानी जब कुएं में रहता था तो ये आपको दिखाया कैसे जाए, अगर दिखाएंगे तो ही यकीन करेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं यकीन करेगा, सिर्फ बोलने से समझ में नहीं आता है। कुएं के लेबल पे एक लेबल बना दिया उसी के आगे में, 4 इंची का एक लेबल बना दिया और उसके अंदर 2 बाल्टी पानी भरवा देते हैं तो कुएं का लेबल वाला सेंटर ये खुल गया। ये सेंटर में आपको दिखाई देगा एंट्री गेट, ये बाहर के पेड़ की डाली, और कोई भी आदमी अंदर जाएगा या कोई भी बाहर आएगा उसको आप देख सकते हैं, आपको कोई नहीं देख सकता है। अब स्टार्ट हमारा फोटो इस टाइम पानी के अंदर जा रहा है, आदमी अंदर से हमको देख रहा है मगर हम अंदर वाले को नहीं देख पा रहे हैं। जब अंदर हम चलेंगे यहाँ पे कोई होगा उसको देखेंगे, नहीं होगा तो आपको ये गेट दिखाई देगा। देखिए शीशे की तरह साफ देखिए, वो देखिए लोग जा रहे हैं और ये आ रहे हैं, ये आने वाले दिख रहे हैं, वो जाने वाले दिख रहे हैं। ये इसकी खूबसूरती है छोटे छोटे सेंटर की। हाँ, ये देखिए जाने वाले भी दिखाई दे रहे हैं और आने वाले भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मेवालाल रस्तोगी रहता था, खजाने खजांची। 1857 में अंग्रेजों ने जब हमला किया तो मेवालाल रस्तोगी चाबी और खजाने का नक्शा लेके इसी में फान के कुएं में गोमती में उसकी लाश निकली, मगर चाबी और मैप नहीं मिला। खजाना आज भी है, चाबी और मैप न मिलने से खजाना किसी को नहीं मिल पाया। ये आप पानी में देख रहे हैं, ऊपर चल के हम आपको कुआं दिखाएंगे। कुआं सूखा हुआ, कुएं के अंदर कोई पानी नहीं है, कुएं के आगे वाला पानी पड़ा 4 इंची के फ्रेम में। आइए ऊपर से दिखाएं, ये 1 मंजिल अभी खाली कराया गया, 4 मंजिल पड़ गया था। और इसी कुएं के अंदर में जैसे इधर दिख रहे बड़े बड़े, ऐसा ही एक दर जो है गोमती से कनेक्ट है, जो डायरेक्ट आता है पानी और डायरेक्ट जाता है। बस वहां का फर्क है गोमती की ढाल यूं है कुएं की तरफ, जब पानी वहां बढ़ता है तो इधर आता था। अभी पूरा पैक हो चुका है एकदम, गोमती सूख चुकी थी ना इसलिए। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कुआं और कुएं के ऊपर में 3 मंजिल, तो इसको बोलते हैं 7 स्टोरी पानी अंडरग्राउंड जलमहल बोली कुआं पानी अंडरग्राउंड बिल्डिंग। अब इस टिकट से आप छोटा इमाम बाड़ा और शाही इमाम और आठ गली और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंच सके और वो घर बैठे इस वीडियो के थ्रू भूल भुलैया को देख सकें। दोस्तों छोटे दर दिख रहे हैं, इसी दरों में से आपने भूल भुलैया का बाहर मेन रोड के सेंटर देखा था, रोड के सेंटर वो बीच का सेंटर वो मेन गेट बना हुआ है, मेन गेट सेंटर वहाँ से आप बाहर तक दिख रहे हैं। आप बाहर के 3 गेट हैं और 3 गेट के सेंटर दिखाई देते हैं बाहर के, आप सबको देख रहे हैं और बाहर का आदमी आपको नहीं देख सकता है। छोटा इमाम बाड़ा 8 गली शाही इमाम इसी टिकट से आप देखेंगे। अच्छा लगा सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइड आपको सलाम करता है, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मेहंदी हुसैन, मेहंदी हुसैन। फोन नंबर 9555992070। ओके बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मेहंदी हुसैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड करा हमें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं इस चैनल पे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल पे इसी तरह की वीडियोस अपलोड होती हैं। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।